जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, जो ऑपरेटर मालिक के पास कंपनी के पास चमचा गिरी कर रहा है तो भैया उनसे निवेदन है कि चमचा गिरी करना छोड़ दीजिए, क्योंकि समय है, आज आपका समय है, कल दूसरा का समय आएगा। आपको लगता है कि हम पूरा परमानेंट हो गए हैं ना मालिक के पास या कंपनी में, तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए आप लोग। और भैया जितने भी ऑपरेटर भाई वीडियो को देख रहे हैं शेयर कर दीजिएगा। और जब घोड़ा घास दोस्ती कर लेता है ना तो खाएगा क्या। और एक कहावत है, घोड़ा के आगे और लोहार के पीछे कभी नहीं रहना चाहिए। नमस्कार, मैं बब्लू कुमार। तो दोस्तों, जो ऑपरेटर चमचा गिरी करते हैं, कहीं ना कहीं दूसरे को शिकायत करते हैं, दूसरों को नीचे दिखाने में लगते हैं और अपने ऊंचे होने में लगते हैं, उनका समय ज़्यादा दिन नहीं टिकता है और ऊपर वाला सब देखते हैं कि देखिए चमचा गिरी आप लोग करना छोड़ दीजिए। सबको एक समान वेतन चाहिए, सब ऑपरेटर चाहते हैं मेरा घर परिवार अच्छा से चले, सब ऑपरेटर चाहते हैं कि मेरा जो बच्चे हैं वो अच्छा स्कूल में जाए, उनको अच्छा शिक्षा मिले। क्या आप लोग नहीं चाहते हैं? क्या आप सोचते हैं कि केवल हम ही एक आगे बढ़े और दूसरा कोई पीछे रहे? सबको साथ लेकर चलिए ना, हम भी ऑपरेटर हैं, आप भी ऑपरेटर हैं, सब ऑपरेटर हैं। हम आपस में दुश्मनी क्यों है? हम लोग आपस में एकता क्यों नहीं मनाते हैं? हम हर एक जगह से केस आ रहा है। जब एक मालिक किसी ऑपरेटर का पैसा नहीं दे रहा है तो आप लोग भी छोड़िए, संस्था के पास फोन करिए, संस्था हेल्प करेगी। उस मालिक का फोटो रखिए, उसका पूरा एड्रेस रखिए, कौन सा जेसीबी है वो भी रखिए, जेसीबी का नंबर लिख के रखिए, एक्सीवेटर चलाते हैं तो एक्सीवेटर का फोटो मार के रखिए, आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं आप ये पूरा एड्रेस लिख के रखिए। और मालिक से झगड़ा मत करिए, काम करिए, मेहनत करिए, लगन लगा के काम करिए। अगर आपके पास मालिक ये नहीं दिया, हेल्पर नहीं दिया है, तो आप सीधा बोल दीजिए भैया कोई भी दिक्कत होगा हम रिस्क नहीं लेते हैं इसका, आप मजबूरी में मत काम करिए। क्या मजबूर है? आप शौक से काम करिए, खुश होकर काम करिए। जैसा सबको बोलते हैं हमको सरकारी नौकरी चाहिए, आप मत सोचिए कि सरकारी नौकरी, हम सोचिए कि यही मेरा सरकारी नौकरी है। और मेहनत से दिल लगा के काम करिए। जब आपका मालिक पैसा नहीं दे रहा है या कंपनी पैसा नहीं देगा, संस्था को इन्फॉर्म करिए, यूनियन का नंबर है, यूनियन के नंबर पर इन्फॉर्म करिए। और आईडी का जरूर बनाइए, ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन का आईडी का जरूर बनवाइए। देखिए आईडी कार्ड बनवाने से यही लाभ है, अगर आपका वेतन फंसा हुआ है कहीं पर भी तो वो पहले जो फंसा हुआ है तो कोशिश जरूर करेगी आपका वेतन निकल जाए, लेकिन आईडी कार्ड बनाने यूनियन से जुड़ने से यही फायदा है कि अगला बार आपका पेमेंट ना फंसे, संस्था हेल्प करे आपको, कहीं कहाँ पर भी रहे रोजगार का मुद्दा पर आपका हेल्प करे, आपका ये जो दुर्घटना होने पर आपका परिवार को मुआवजा दिलाने में मदद करे। हर जगह अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता है, ना हम कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं, एक उंगली किसी को मार नहीं सकता है, लेकिन ये जब मुट्ठी हो जाता है ना इसमें बहुत ताकत हो जाता है। एकता बनाइए, हम आप मिलकर साथ चलिए और यूनियन के साथ कदम से कदम मिला के चलिए। दोस्तों चमचा गिरी करना छोड़ दीजिए प्लीज। एक दूसरे ऑपरेटर के भाई के पास ये वीडियो शेयर करिए और सबको बोलिए ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन यूट्यूब पर जाके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। हम सबका काम है, हम सबका फर्ज है। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा, फेसबुक का भी नाम है ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन। आईडी कार्ड जरूर बनवाइए, आईडी अगर हम लोग का देखिए ऑपरेटर का मांग एक यही है, अगर ये मालिक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ऑपरेटर का मांग यही है, ऑपरेटर को चाहिए एक समान वेतन, ऑपरेटर को चाहिए सही समय से वेतन, ऑपरेटर को चाहिए दुर्घटना होने पर मुआवजा, मेडिकल फैसिलिटी भी होना चाहिए। और जो आप लोग 15,000 पेमेंट देते हैं ना कम, ये भैया बढ़ाइए,
जैसे भी ऑपरेटर कम से कम 22,000 पेमेंट कीजिए। एक्सीवेटर ऑपरेटर का तो हम लोग बात करेंगे, जितने भी एक्सीवेटर ऑपरेटर हैं, जैसे भी ऑपरेटर है, एक बार संडे को फेसबुक लाइव जुड़िए 7:30 बजे, ये जो आने वाला संडे है, संडे को फेसबुक लाइव जुड़िए। और फेसबुक से नहीं जुड़े हैं तो फेसबुक से जुड़िए, पेज को फॉलो करिए, लाइक करिए, और वहां पर हम लोग बात करेंगे सब ऑपरेटर भाई जुड़ के कि एक्सीवेटर ऑपरेटर का पेमेंट कितना होना चाहिए फाइनल। जिसके पास हेवी लाइसेंस है उनको कितना होना चाहिए, जिसका लाइसेंस नहीं है उनको कितना होना चाहिए, जो ग्रेनेट में मशीन चलता है उनको कितना होना चाहिए, जो माइंस में चलता है उनको कितना होना चाहिए, जो रोड वर्क में काम चलता है उनको कितना होना चाहिए, जो लॉन्ग बूम चलाते हैं उनको कितना होना चाहिए। कि देखिए एक्सीवेटर में बहुत सारे मशीन है, इसलिए थोड़ा ऑपरेटर को कन्फ्यूज होता है कि यहाँ पर इतना पेमेंट होना चाहिए यहाँ पर, इसलिए यूनियन ये भी डिसाइड नहीं कर पाया। कि देखिए जेसीबी का तो डिसाइड कर दिया है, लेकिन जेसीबी का मोहर लग जाएगा जिस दिन पटना में मीटिंग होने वाला है 17 तारीख को। और वीडियो को शेयर करिए, इतना शेयर करिए, हर ऑपरेटर भाई के पास शेयर करिए, जागरूक बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।